सबने अपनी एप्लीकेशन लिख ली। हाँ जी, हाँ जी। आज हम तुम्हारे कुछ लोगों के साथ गृह राज्य मंत्री से मिले थे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। अब हर आदमी अपनी एक एप्लीकेशन बनाए, उसमें अपना रोल नंबर लिखे, कब परीक्षा दी थी, कैसे क्या जो भी है, वो आपको ज़्यादा पता होगा। आज हम गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा से मिले और साथ में दो चार तुम्हारे लीडर थे। है कोई यहाँ जो आज मिला था? हाँ सर, वो है ना, देखिए वो लिख रहा है, वो मिला था। ये भी साथ में थे। हमारा काम था मिलाना, तुम्हारी समस्या को रखवाना। 48 घंटे रहिए और अगर आप नहीं मिलते तो इस्तीफा दे देते, ठीक है? अगर आप नहीं मिलते तो इस्तीफा दे देते। अब ये बताओ, राहुल गांधी ने बुलाया है, कोई चलेगा? राहुल गांधी का फोन आया था हमारे पास। चलेंगे सर, क्यों नहीं चलेंगे? मंत्री जी से मुलाकात हो गई है, कहे नहीं हमें बताओ क्या करना है। तो राहुल गांधी चाह रहे हैं पैदल मार्च करना। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो जितने लोग तैयार हो 24 अकबर रोड चले। भाई हम पक्ष और विपक्ष, जब भिखारी भीख मांगता है हम लोग भिखारी हैं, कि चाहे राजा दे दे चाहे फकीर, हम तो मांगने बैठे हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम भूखे हैं, हमें खाना चाहिए। अब खाना देने वाला चाहे राजा हो चाहे रंक हो, इससे क्या मतलब? भाई गृह राज्य मंत्री ने हमारी बात को सुना, उसी तरीके से कितने लोग चलेंगे 24 अकबर रोड? सब चले पहुंचो 24 अकबर रोड, जरा फोन करो वहाँ। फोन के पास कॉल कर लिया जाए, फोन को पता कर लो कौन कैसे सिचुएशन हुई है, बोलिए क्या बताएं। फोन के पास कॉल करके बात कर लीजिए। लड़ाई आज सभी भाइयों स्वागत कीजिए, ठीक है? भारत माता की, भारत माता की, आवाज दो। बैठेंगे और 24 अकबर रोड किसी ने देखा है? सोनिया गांधी जी का कार्यालय है राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो जो साथी चलना चाहे, कुछ महिलाएं चले, कुछ हमारी बहनें चले, कुछ हमारे भाई चले। हाँ जी, हाँ जी। 50% लोग यहाँ बैठो, 50% वहाँ जो क्रांतिकारी लोग हम चले वो वहाँ चले, हम लोग चले, ठीक है? नौकरी लेकर ही जाना है, बिना लिए जाएंगे नहीं। सरकार ने 12 तक परमिशन दी है, उसके बाद भी अगर परमिशन नहीं देंगे तो हम लोग यहीं बैठेंगे, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल सर। नौकरी लेकर जाना है। आज गृह मंत्री जी से भेंट हुई थी, पक्ष और विपक्ष। अभी हाउस चलेगा 29 नवंबर से। हाँ जी, हाँ जी। तो डटे रहना है, अगर नौकरी मिलनी होगी तो ये दे देंगे, वरना संसद भवन जब चलेगा तो जहाँ जहाँ जैसे किसी का घर बदायूं है तो बदायूं के सांसद हैं संगमित्रा मौर्या, उनका घर घेराव कर दो, ले हम जाएंगे, जैसे रात में ले गए थे। हाँ पाल जी, सरकार को झुकना पड़ेगा, नौकरी देनी पड़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि हमने मेडिकल पास किया। हाँ जी, हाँ जी। हम यहाँ बैठे हैं, हमारी आवाज़ को सुनना पड़ेगा, और ये आवाज़ एक की नहीं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ना दो तुम तनख्वाह हमें, हम वतन पर मिट जाएंगे, पहना दो हमें ये वर्दी, हम वतन पर मिट जाएंगे। तो ऐसा करो,